यूपी अपडेट में आपका स्वागत है। विधान परिषद के चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों धर्मेंद्र सिंह सैंतवार और निर्मला पासवान के परिषद के लिए निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। सपा ने एक सीट पर अपने प्रत्याशी कीर्ति कौल को उतारा था, लेकिन जांच के दौरान कीर्ति कौल का पर्चा रद्द कर दिया गया। कीर्ति कौल की उम्र 28 बताई गई है, जबकि परिषद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 30 साल का होना अनिवार्य है। यह सपा की बड़ी रणनीतिक हार मानी जा रही है। कीर्ति कौल का पर्चा दाखिल कर समाजवादी पार्टी आदिवासी समाज से परिषद में सदस्य भेजने का दावा कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा उम्मीदवार चुना जो योग्यता के पैमाने पर सही नहीं उतरता। भाजपा ने धर्मेंद्र सिंह सैंतवार और निर्मला पासवान को प्रत्याशी बनाया था। परिषद के लिए इन दोनों उम्मीदवारों की जीत अब सुनिश्चित हो गई है। यूपी विधान परिषद के दो सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आखिरी तारीख सोमवार की थी। इस बीच योगी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में नगर निकायों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के मुताबिक 3 नए नगर पंचायत का गठन किया गया है, जबकि 7 नए नगर पालिका परिषद बनाए जाएंगे। लगभग नहीं, 734 एग्जैक्टली हमारे नगर निकाय अभी तक थे। पिछली कैबिनेट में पिछले दिनों 18 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ, 18 का सीमा विस्तार हुआ और 2 नगर पालिकाओं का भी विस्तार हुआ था। तो इस प्रकार 734 में 18 नए नगर निकाय जुड़ गए थे और आज के निर्णय से डेरवा बाजार प्रतापगढ़ का एक नई नगर पंचायत के रूप में सृजन हुआ है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 752 होते हैं, जिनमें से 753 होते हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव के तहत 2 नगर पालिका और पंचायत का अस्तित्व खत्म हुआ है। तो अभी की स्थिति में आज के निर्णय के बाद हमारे कुल 751 नगर निकाय रह जाते हैं। फतेहपुर की खागरा, शाहजहांपुर जिले की निगोही और सोनभद्र जिले की सोनभद्र नगर पंचायत का विस्तार हुआ है। उसी प्रकार शाहजहां जिले की बुलंदशहर जिले की अनूपशहर, गाजियाबाद की मोदी नगर, गाजियाबाद का मुराद नगर, गाजियाबाद का इलोनी, शामली का किरैना और मुजफ्फरनगर का खतौली, इस प्रकार 6-7 नगर पालिका परिषदों का भी विस्तार हुआ है। वहीं प्रतापगढ़ जिले की देरवा बाजार का एक नई नगर पंचायत के रूप में गठन हुआ है। वाराणसी नगर निगम की सीमा का विस्तार करते हुए उसमें रामनगर जो नगर पालिका परिषद थी, उसको पूरी की पूरी रामनगर पालिका परिषद को हम लोगों ने उसमें समाहित करने का निर्णय लिया है। और साथ ही सुजाबाद करके नगर पंचायत है, उसके भी पूरे विस्तार को इसमें नगर निगम वाराणसी में समाहित करने का निर्णय लिया गया है। नव सृजित नगर पंचायतों, नव विस्तारित नगर पंचायतों, नगर पालिका जो सीमा विस्तार हुआ है और नगर निगमों का जो विस्तार हुआ है, ऐसे नए विस्तारों के लिए और नए रचित पंचायतों के लिए आपको याद होगा तो बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से और माननीय वित्त मंत्री जी की अनुशंसा से हुआ था। उसके 550 करोड़ रुपए के उपयोग के लिए हम लोगों ने आज एक नई योजना कैबिनेट में प्रस्तुत की थी, जिसको कैबिनेट ने कृपापूर्वक मंजूरी दी है। उस योजना का नाम हमने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना रखा है। 3 नगर पंचायतों का विस्तार हुआ है, जिनमें फतेहपुर जिले की खागरा है, शाहजहांपुर जिले की निगोही है और सोनभद्र जिले की सोनभद्र है। ये 3 हो गए। उसके बाद 7 बुलंदशहर की अनूपशहर नगर पालिका परिषद का विस्तार हुआ है, गाजियाबाद की मोदी नगर, गाजियाबाद की मुराद नगर, गाजियाबाद की लोनी, शामली की कैराना और मुजफ्फरनगर की खतौली, इन नगर पालिकाओं का भी विस्तार हुआ है। तो 7 और 3 ये हो गए, 10 हो गए। 1 नई नगर पंचायत बनी है प्रतापगढ़ की देरवा बाजार। योगी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के आसपास की सड़कों के विकास योजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम का निर्माण कार्य काफी तेज गति से अनवरत रूप से जारी है।
उसको मुख्य रोड से कनेक्टिविटी अच्छी मिल सके, वह पर्यटकों को श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई असुविधा न हो, और बार बार बड़े बड़े अवसरों पर, उत्सवों पर, त्योहारों पर भीड़ में कोई बड़ी समस्या उनके लिए पैदा न हो, इसी की दृष्टिगत हम लोगों ने पहुँच मार्ग मुख्य मार्ग से पहुँच मार्ग बनाने के लिए शहादतगंज से नया घाट अयोध्या लेन मेन स्पाइन रोड, जिसकी लंबाई 12.94 किलोमीटर है, इसके चौड़ीकरण और निर्माण और सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय लिया है माननीय कैबिनेट ने, और उसी के अंतर्गत इसकी लागत लगभग कुल मिला के 797.69 करोड़ रुपए की गंगा स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है, और इसके साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का निर्णय लिया है एकदम काशी कॉरिडोर के ही तर्ज पे इसका समुचित विकास होगा, वहाँ जो भी दुकानदार हैं उनके लिए भी, जो कब्जेदार हैं, दुकानदार हैं, किराएदार हैं, उनको भी पुनर्स्थापित करने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है, उनके लिए कंपनसेशन की व्यवस्था की गई है, और इसके अंतर्गत कुल मिला के मुख्य सड़क से जुड़ने का काम होगा, ये शहादतगंज नया घाट मार्ग से लेकर के किलोमीटर 11 से सुप्रीम किला होते हुए श्री राम जन्मभूमि तक चार लेन का मार्ग बनाएगा, इसके अलावा अयोध्या में फैजाबाद मुख्य मार्ग से हनुमानगढ़ी होते हुए श्री राम जन्मभूमि तक का मार्ग की चौड़ीकरण और शुद्धिकरण का कार्य है, शहादतगंज से नया घाट के चौड़ीकरण और शुद्धिकरण का प्रस्ताव, इसकी लंबाई 12.94 किलोमीटर है, इस प्रकार कुल मिला के ये कुल लागत 797.69 करोड़ के आज स्वीकृत की गई है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से लोग हमारी ओर आकर्षित हों, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद है, और पर्यटन में ऐसी संभावनाएं जिससे अपार राजस्व प्राप्ति की संभावना हमें उत्तर प्रदेश को मिल सकती है। योगी सरकार ने 841 सरकारी वकीलों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। कानून एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी वकीलों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इस आदेश के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ से 505 राज्य न्यायिक अधिकारी और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों की छुट्टी कर दी गई है। इस बीच राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 366 और लखनऊ खंडपीठ में 222 नए सरकारी वकील भी नियुक्त किए हैं। लखनऊ बेंच के 2 चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। इसके अलावा 23 एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, क्रिमिनल के 66 और 176 सिविल ब्रीफ होल्डर को हटाया गया है। 59 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। न्यायिक विभाग में यह इस समय तक का एक बड़ा फेरबदल है।